दिल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिभूत नाम है। सब बहुत लोगों को मसल रहता हूँ। सुंदर गीत गाया, आज का विषय वही था। तो विषय के संबंध में आत्मा अच्छा अगुवाई करता है, तो बहुत प्रभु धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का वचन जब हम सुनता है, वचन सुनने वाला लोगों का अवस्था क्या होना चाहिए है? आज के लिए मतलब बहुत बार लोग इसका गौरव नहीं समझता है ना। जब यशायाह 66 का 5 में यशायाह नबी किताब उसका 66 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, वचन जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। हाँ, कौन सुनो? हाँ, ये जो वचन है, क्योंकि किसका वचन है? यहोवा का, प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन सुनने के समय में एक सच्चा एक धड़कन होना चाहिए, बोलेगा तो उसका सच्चा आदर करके भय मानना बहुत बड़ी बात है। हम प्रभु को सुनता है तो प्रभु का वचन सुनने के लिए सीखने के लिए जो मौका, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो व्यक्ति वचन सुनता है वही प्रभु का दिल की इच्छा जान सकता है, क्योंकि प्रभु अपने दिल की इच्छा प्रकट करता है सही रीति में वचन सुनने वालों को। आपको मालूम है जब मैं आसर के घर में जब जाता था तो वहां पर दो बहन था। एक बहन का काम क्या मालूम है? वो भाग करके प्रभु का उपस्थिति में प्रभु का आसर में बैठेगा है ना। दूसरा किचन में जाएगा, सुंदर चपाती बिरयानी वाला बनाएगा। वो सोचा मैं खिलाने से शायद प्रभु खुश हो जाएगा। एक बार कपड़े भी दिया है, वहां पर यीशु मसीह को खाने वाला एक एक शब्द अनमोल है। लूका 10 अध्याय का आखिरी 42 वचन में, उस उत्तम भाव को मरियम ने चुन लिया। क्या किया? उत्तम भाग। प्रियो, आज जितने लोग प्रभु के विश्वास में है, आपने जिंदगी का उत्तम भाग, समय का एक उत्तम दीदी का उसको खर्च करने के लिए आपने निर्णय लिया, ये बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में बैठता है वो व्यक्ति का काम देख करके शायद दुनिया कहीं कुछ बोलता होगा है ना, लेकिन दुनिया क्या बोलता है उस पर नहीं हमारा मतलब, प्रभु क्या कहता है ना। हमारे कामों के ऊपर प्रभु क्या गवाही देता है वो है हमारे लिए मौत का बात है ना। अभी यही मरियम जब अवसर आया, प्रभु यीशु मसीह को इत्र मना, मतलब स्वच्छ जटामांसी तेल, बोलेगा तो ये काम को देख करके चेले लोगों के टोकर खाया, कुड़कुड़ाया, विरोध में कहा, लेकिन वहां पर यीशु मसीह का आने वाला एक शब्द मरकोस उसका 14 अध्याय उसका 6 वचन में हम देखता है। देखिए प्रभु का पास में बैठ करके वचन सुनने वाला मरियम समय को सही रीति में इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो काम किया वो कामों के बारे में यीशु मसीह जो गवाही देता है। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। देखा, उसने मेरे साथ भलाई किया। देखा, अभी लोग उल्टा बात कर रहा था, लेकिन जो इस पर कहना चाहिए प्रभु बोलता है उसने मेरे साथ भलाई की, इतना ही नहीं एक और सर्टिफिकेट दिया उसका 8 वचन, जो कुछ वह करती कर सकी उसने किया। देखा, मतलब मरियम का जीवन में मैक्सिमम उसने किया। देखिए प्रियो कितना बड़ी बात है, कौन बोल रहे है? प्रभु बोल रहे है। देखा, प्रभु कहना चाहिए प्रियो हमारा जीवन में हमने जो किया है उसने मेरे लिए मैक्सिमम किया। क्या गवाही है प्रियो? रिजल्ट है, मतलब आज लोग प्रभु के पास आता है, प्रभु दे दो मांगते रहता है, पर तो मरियम देने के लिए आया। कितना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब हम प्रभु को किस रीति में देता है, प्रभु के साथ कैसा कार्य करता है, और प्रभु हमारे कामों को देख करके क्या गवाही देता है वो हम सुनता ही क्या, ये भी हमें सुनना चाहिए, हमें जानना चाहिए। हम लापरवाही नहीं करना प्रभु, क्योंकि एक ही जिंदगी है, हमारा जीवन का समय का भी हमें हिसाब देना है, हमारा मौकाओं का हिसाब देना है।
हमारे ताकतों का हिसाब देना है, हर बात का हिसाब देना है हमको। एक दिन हमारा न्याय है, इसलिए प्रभु का लोग कितना अधिक सावधान होकर के चलना चाहिए, प्रभु का वचन को तामा रहना चाहिए। प्रभु आपको आज भी सहायता करे, वचन को आप सही रीति में समझ पाए। तो मैं आपको बताया, सही प्रकार का वजन, हम वजन को वजन से विभाजन करने के लिए आपको मालूम है पौलुस तीमोथियुस को लिखने के टाइम पर वो बात बोलता है, दूसरा तीमोथी दूसरा अध्याय का 15 वचन में है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। मतलब ठीक रीति से विभाजन करे, ऐसा आना चाहिए। मतलब ऐसा है इंग्लिश में ऐसा है, मतलब कुछ कुछ परिभाषा में उसका ठीक अर्थ भी नहीं आया, कोई बात नहीं। मैं आपको जब बताता है तो मैं आपको बताया ना, मैं उसका ओरिजिनल अर्थ भी ढूंढ करके निकाल करके आपको बोलता है। अभी सुरेश को मैंने बताया, मेरा पूरा टेबल में बाइबल कितना है, एक मेरे बाइबल स्टडी में कम से कम 8-9 बाइबल मेरा लेआउट में है, और वो कई भाषा का है और कई प्रकार का ट्रांसलेशन है, क्योंकि वो वजनों का सही अर्थ जानने के लिए डायरेक्ट ग्रीक से हमारा परिभाषा किया हुआ भी है। और बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं सोचता है कि जो सिखाया जाएगा उसमें बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है तो मतलब हमारे में ये सेवकाई में क्या नहीं, हमारा वो मतलब ईमानदारी नहीं, हमारा वफादारी नहीं, हमारा विश्वास योग्यता नहीं, ऐसा बात। ओके, अभी हमें ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं, तो हम लोगों ने 6 बजन तक का देख लिया है ना, 6 बजन तक देख लिया। तो मतलब 6 बजन में भजन के आखिरी में एक वजन भाग लिखा है, वो शब्द उसको महिमा और बल, मतलब उनका उनका है, वो प्रभु का है, प्रभु को ही महिमा बना। ये बहुत बड़ी बात है, अपन कभी भी कुछ भी कार्य करता है तो क्या करना चाहिए, प्रभु को महिमा दे रहे थे, है ना। इसलिए हम लोग बोलता है आज भी आप लोग, आपको मालूम है आपका जीवन में बहुत चमत्कार हुआ, आपको मालूम आज सुबह आपके जीवन में चमत्कार हुआ था, हुआ ना है? कल रात को भी चमत्कार हुआ था, कल रात को नहीं हुआ है? कल रात का चमत्कार है कि कल रात को आप सोया, सोया वो चमत्कार है ना, आज सुबह का चमत्कार है कि अब उड़ा, अब उड़ गया, एक चमत्कार है ना, आप नहीं उड़ा, प्रभु ने उड़ाया। आमीन आमीन। देखा आप वास्तव में कितना चमत्कार रोज अनुभव करता है, आपको सोया हो तो कौन मेरा आपको जगाया, प्रभु ने जगाया, नहीं तो दिया कौन, प्रभु ने दिया तभी तो सोया। इसका मतलब आपको प्रभु का चमत्कार रोज अनुभव करता है और आप उसके लिए धन्यवाद देता है करके मैं विश्वास करता हूँ। ओके, तो अभी इसलिए हम हर बात में सुबह उठते ही हम प्रभु को क्या बोलते हैं, प्रभु धन्यवाद, अच्छा दिन दिया है ना, और सही सलामत एक अच्छा आनंद का दिल के साथ एक निर्णय होकर के ये सुबह देखने के लिए और आपसे बात करने के लिए मौका दिया। हम लोग कितना धन्य लोग है ना, हम ये बात का समझ दिया गया, हम लोग ये बात को समझता है, हम इसलिए हर बात में प्रभु को धन्यवाद देते रहता, प्रभु जो भी बात याद दिलाएगा, क्योंकि हमारा जिंदगी पूरा चमत्कार ही चमत्कार है। अभी उसका वर्णन करने के लिए आएगा तो आज का क्लास उसी पे हो जाएगा, इसलिए अपन वचन भी आ रहा है, इसलिए महिमा किसको देना, प्रभु को देना, क्योंकि प्रभु ने बोला है ना, जब यशायाह 42:8 वचन में लिखा है, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, प्रियो कभी भी ना लूसिफर बीच में आया था महिमा लेने के लिए, लेकिन प्रभु बोलता है मैं मेरी महिमा किसी को नहीं लेने दूंगा। प्रियो कभी भी हम लोग अपना शब्दों में सावधान रहना, शब्दों में भी हम लोग अगर सही प्रकार प्रभु को अगर महिमा नहीं दिया हमने महिमा लूटा, ऐसा बात नहीं आने देना ये बात। और बेल बेल भी किसका है, प्रभु का है, प्रभु बेल देगा प्रियो तभी हम स्वास्थ्य तक ले सकता, प्रभु बेल नहीं देता तो, इसलिए भजन में बार बार लिखा है जब भजन संहिता 62:11 ओ प्रभु यीशु
परमेश्वर ने एक बार कहा है और दो बार मैंने यहाँ सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। सामर्थ किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर का है। इसलिए भक्त 18 भजन संहिता का 12 भजन में दाविद क्या कहता है मालूम है? मेरा बल यहोवा है, मेरा बल यहोवा है। कितना सुंदर बात है। ओके, आज हम मतलब आगे बढ़ेंगे, सातवें भजन में आएंगे। सातवें भजन में थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा, बहुत गंभीर बात है। आप देखिए सातवें भजन पढ़िए। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। देखो ये घोषणा है, देखो वो बादलों पर आने वाला है। और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। देखिए अब यहाँ पर जो व्रत बताया है ना, ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में, परंतु ये कौन सा आगमन है? ये दूसरा आगमन है, ये प्रकट आगमन है। ठीक है, ये बात बहुत बड़ी बात है। ये एक्चुअली यहूदियों के लिए आने वाला आगमन है ना। कई बार वजन को जो नहीं इतना जानता वो इस विषय को पहला आगमन समझेगा, ऐसे नहीं। ये जो मतलब वजन पढ़ने के टाइम पर ही हमें समझना चाहिए, अवश्य करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। देखो देखा बादलों के साथ आने वाला है। देखिए बादलों के साथ आने वाला इसराइल के संबंध में ये उनको अच्छा परिचय, क्योंकि जब प्रभु मोशा से जब बात करने के लिए आया बादलों पर आया था, आप याद होगा जब एक्सोडस निर्गमन उसका 19 अध्याय का 9 वचन पढ़ा, एक्सोडस 19 का। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ। देखा, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ। कोई बात उसका 24 का पत्रों में भी हम देख सकता है, 24 का। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। देखा, बादल ने पर्वत को छा लिया, बोलेगा तो उस बादल में होकर के प्रभु ने बातें की। प्रभु बादल में आया करके हम देखता है। एक बार आपको मालूम है मूसा का कमड़े के कारण मोशे बोला, मैं इनको सबको मानो भोज रहने के लिए मैंने इनको जन्म दिया क्या? है ना, प्रभु के साथ थोड़ा वाद विवाद हुआ। अब प्रभु ने बोला ठीक है, ऐसे करो और 70 लोगों को चुनो जो तुझमें है, उसमें से निकाल के मैं उनको देता हूँ। तो उन पर आत्मा उंडेलने के लिए प्रभु कैसे आया था? बादलों में आया था। वहां पर ऐसे लिखा है जब गणना का किताब उसका 11 अध्याय उसका 25 अध्याय, तब यहोवा बादल में होकर उतरा। देखा, बादल में होकर उतरा। बाकी आपको मालूम है अपना वो शब्द के ऊपर मैं गौर देना चाहता हूँ, बादल में होकर के उतरा। आपको मालूम है जब पत्रोस याकूब योहन्ना वो पहाड़ में था, तब प्रभु ने वहां से कैसे बात किया था? मत्ती उसका 17 अध्याय 5 वचन, मैंने ये सारी बात बोल ही रहा था कि बादल ने उसे छा लिया। बादल ने छा लिया, उस बादल से प्रभु ने बात किया, बादल में से ये शब्द निकला, ये निकला बादल में से, ये शब्द निकला, प्रभु बादल में आकर के बात किया। अभी बादल में आएगा, बादल में आएगा, ये बात यीशु मसीह ने महायाजक को बोलने के टाइम पर भी बोला था, है ना। शिव मत्ती उसका 26 अध्याय का 64 वचन, मत्ती उसका 26 अध्याय का 64। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, और मैं तुमसे अभी कहता हूँ कि अब तुमसे मनुष्य के पुत्र, अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखो। आकाश के बादलों पर आते हुए देखेगा। वो बात मानव लूका में भी लिखा है, लूका 21 अध्याय का 27 वचन में भी हम देख सकता है, मतलब मनुष्य का पुत्र, मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। बादल पर आते हुए देखेगा। अभी आपको मालूम है ये वो समय, ये कौन सा समय है? ये मंडली को उड़ा ले जाने के बाद में 7 साल के बाद की बात है। यीशु मसीह पवित्र लोगों के साथ मतलब इसराइल की छुटकारे के लिए या इसराइल के लिए लड़ने के लिए आएगा, है ना। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, तब क्योंकि अभी आपको मालूम है मौसम इतना बदलते जा रहा है दिन प्रतिदिन। आज के न्यूज में क्या बोला मालूम है ईरान ने? ईरान ने बोला 48 घंटे के अंदर इसराइल को मैप से निकालेगा। देखो आज का थोड़ा एक धमकी है,
भले का अर्थ क्या है कि दुनिया का पूरा निशाना इसराइल के ऊपर है। और ये बात मानव कितने हजारों साल पहले हमारे प्रभु का वचन में लिखा है ना, बहुत बड़ी बात है। हमारा समय में ये सब पूरा हो रहा है। हम लोग अभी भी उड़ाने जाने का समय आ चुका है, क्योंकि मतलब पूर्ण रूप में दुनिया का मतलब पूरा श्रद्धा इसराइल के ऊपर आ चुका है। तो इसलिए इसराइल के ऊपर ऐसा विपत्ति आएगा। आपको मालूम है मतलब अभी अमेरिका का पूरा पूरा उसको मतलब मदद है, पर जो अमेरिका भी टूटेगा, अमेरिका भी टूटेगा। आखिर में इसराइल को बादल के नाये गिरेगा। तब आज आपको मालूम है करीब मतलब 50-60% लोग मतलब प्रतिशत लोग नास्तिक लोग हैं। ये सब लोग मन करेगा, सब लोग मन करेगा। प्रभु मतलब प्रभु का प्रोग्राम, मैं इसलिए आप बदल जाता हूँ प्रियो, प्रभु का एक भी वचन बदल नहीं सकता। हाँ, वचन पर संदेह ना कर, दुनिया कैसे भी चलने दो, परंतु सारे काम प्रभु की मतलब वचन प्रभु की कहनी के अनुसार ही होगा। इसमें बोले ना आकाश उठ टल जाएगा, मेरा वजन कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं टलेगा, है ना। ये प्रभु सच्चा प्रभु है, है ना। जब प्रभु आएगा तो क्या होगा, वो लोग वो सब लोग प्रभु की ओर देखेगा। अभी उनको मालूम चारों तरफ से घेरने के बाद में अभी कहीं बचाव के लिए कोई मार्ग नहीं, कहीं भागने के लिए भी मौका नहीं। तब एक बहुत बड़ा एक माना आवाज और आकाश में जिन दिखाई देगा, तो वो सब लोग आकाश की ओर देखेगा, है ना। जकरिया 12 अध्याय उसका 10 वचन, क्या अनोखे शब्द है वो, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उन्हें लूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, तब मुझे वो ताकेगा, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है। हाँ, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है। बोलने का अर्थ समझ में आया है, किसको भेजा था, प्रवेश मसीह, है ना। वो समय में यीशु मसीह आते वक्त इस लोग ऐसा देखेगा, तब देखेगा अरे जैदा हुआ, जैदा हुआ। लोग बोलेगा किसे क्या जैदा हुआ हाथ, प्रभु ये कैसे क्या हुआ। वो लोग सब लोग मिलकर के चिल्लाएगा, है ना, लिखा है ना, कोई देख लिया उसका 13:6। तब उसने ये पूछा जाएगा, तेरी छाती पे ये घाव कैसे हुए, ये घाव कैसे हुआ। तब वो कहेगा ये वे ही है जो मेरे प्रेमियों ने प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। देखा प्रभु ये क्या है। तब प्रभु बोलेगा मैं ना मेरा प्रेमियों के घर में आया, उन्होंने प्रेम से मुझको दिया तोहफा। क्या है तोहफा, तोहफा, तोहफा। उस समय में उन लोगों को समझ में आएगा अरे हमारा पुरखों ने ये जो किया कितना महा अपराध किया। वो लोग जोर से अपनी गलती को कबूल करके रोएगा। और आपको मालूम है वचन में लिखा है एक ही दिन में एक देश मन फिर करके उधार पाएगा। देखो वचन में लिखा हुआ बात है ना, जब यशया उसका 6 अध्याय उसका 8 वचन, लॉर्ड जीसस, ऐसी बात किसी ने कभी सुनी, किसी ने कभी ऐसी बात देखी, ये सुना भी नहीं देखा भी नहीं, देखने जा रहा है और सुनने जा रहा है। ओके, क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है। हाँ, एक देश एक दिन में उत्पन्न होगा, बोलेगा तो एक ही दिन में इन सबका नया जन्म हो जाएगा, एक ही दिन में उनका सबका उद्धार हो जाएगा। वो क्या है प्रियो, हमारा प्रभु का वचन है प्रियो, है ना। वो वचन कभी भी मतलब बदल नहीं सकता, है ना। और हम लोग यीशु मसीह के साथ हमारा एयरपोर्ट कहाँ पर है, जयपुर पर। अरे वो सब पहले से हमारा प्रोग्राम पूरा फिट है, जगह नहीं बदलेगा, नासिक में आएगा। अब नासिक से जाएगा और तो वापस आएगा ओली पर जयपुर पर, है ना। जब देख रहे 14:4। उस दिन वहां जैतून के पर्वत पर
रखेगा। हाँ देखा उस दिन, देखिए जिस दिन हम वापस आएगा श्वेत घोड़े के ऊपर हम लोग सब आएगा है। हाँ वो सब बात इस पे नहीं है पर निकालेंगे तो बहुत बड़ी बात है, है हम लोग आएगा है श्वेत घोड़े के ऊपर आएगा, ऐसा ऐसा है थोड़ा सा हिंदी में, लेकिन छोटा सा है लेकिन बड़ा कर करना है, प्लीज कलाकार लोग बहुत है हमारा तो बहुत बड़ी बात है। हम सब लोग आकर के जदुर पहाड़ पर हो जाएगा, वो बात मतलब जाते वक्त उसने बोला था ना, है ना प्रेरित काम, देखो उन्हें भी बोला भगवता ने भी बोला, यहाँ पर दूध ने भी बोला था, है ना पहला देगा 10-11 बजे 11-12 बजे हाँ। और उनसे कहा है गरीबी पुरुषो तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। देखा जैसे गया वैसे आएगा, जहाँ से गया वहाँ पर आएगा। बहुत बड़ी बात है, समझ लो क्या है कि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु अपने लोगों को ये जो ये प्रकाशित वाक्य में है ना यीशु मसीह का गुप्त आगमन के बारे में नहीं लिखा, प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह का गुप्त आगमन के बारे में नहीं लिखा, ठीक है ना, इसलिए बहुत लोग ये गुप्त आगमन के बारे में बहुत अनजाने हमारे जीवन में ये सारे बात, इसलिए मैं आपको बोला ना पूरा भविष्यवाणियों का अंध है जीवन रमेश का किताब और उसमें सब कुछ है लेकिन ये गुप्त आगमन के बारे में नहीं, गुप्त आगमन के बारे में नहीं, ये इसलिए जानना प्रभु का मंडली के लिए जो आगमन है वो है गुप्त आगमन। इसके बाद कितने साल के बाद में प्रकट आगमन है, 7 साल के बाद में देखो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में पर ये बातों को भी जानना कितना बड़ी बात है ना। जब मतलब ग्रीक भाषा में इस ये जो गुप्त आगमन ऐसा एक शब्द बाइबल में नहीं, वो भी नहीं बाइबल में, वो सब मतलब वेद ज्ञानी लोगों ने निकाला वो शब्द है ना। इस शब्द को मतलब ग्रीक भाषा में मतलब हरपासो बोलते हैं, हरपासो हरपासो बोलते हैं हरपासो, और लैटिन भाषा में बोलते हैं रापियो रापियो RAPIO रापियो, और उस रापियो शब्द इंग्लिश में जब आया रप्चर आया है, रप्चर आया तो हिंदी में आया रैप्चर, हिंदी में आया क्या बोला गुप्त आगमन गुप्त आगमन रैप्चर RAPTURE रैप्चर। ओके तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है कि ये जो गुप्त आगमन आपका मालूम है इस आगमन का बारे में मतलब बहुत ध्यान से समझना है, इसलिए प्रभु ने कई जगह पर चेतावनी दिया। लुका का सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 34 से 36 वचन इसलिए सावधान रहो ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार और बचवाने पर और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। देखिए बहुत बहुत बड़ी बात है, प्रभु के आगमन में मुड़ा ले जाने वाले लोग हर प्रकार हर समय तैयारी में रहना, क्योंकि प्रभु के आगमन कौन सा समय में करंट आएगा कोई नहीं बोल सकता, जो प्रकट आगमन का प्रकट चिन्ह है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, और जो गुप्त आगमन का कोई प्रकट चिन्ह नहीं है इसलिए कुछ ऐसा भी नहीं दिया है, हमें तैयार रहना है ना। वही लुका उसका 17 अध्याय में जब 34 से 36 मैं तुमसे कहता हूँ उस रात दो मनुष्य एक घाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी, दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा,
ये सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु ये कहाँ होगा? उसने उसे कहा, जहाँ लोग है वही गीदड़ इकट्ठे होंगे। देखिए कितना सुंदर रीति में प्रभु बात को समझाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उधार पाए हुए लोग है, जो प्रभु की सच में हमारे तैयारी में है, वे ही लोग उड़ा लिए जाएगा। तुम्हारा उधार पाया है तो जाएगा है। प्रेज द लॉर्ड, उनका एक तैयारी प्रभु करता है ना। पहला तस्सलुनीकियों 5:6 भी उसके साथ पढ़ना। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे पर जागते और सावधान रहे। हम दूसरे के समान सोते न रहे। प्रियो हमारे जीवन में ये मतलब रात को नहीं सोना, ऐसे नहीं। हमारा आत्मीय जीवन का निद्रा में पड़ने नहीं देना, हमारा जिम्मेवारियों से भूल करके जीवन नहीं बिताना है ना। हमें अपनी जिम्मेवारियों को जानना है और उसको अमल करना भी। इस जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनना बोलेगा तो कितना बड़ा पदवी है ना। मैं मसीह का गवाह हूँ। कौन है? सच्चा जिंदा प्रभु है। उस प्रभु का मैं गवाह बोलना कितना खुशी की बात है प्रियो, कितना आनंद की बात है। पर दो ऐसे बोलने के लिए भी कई लोग डरता है। क्या डरना प्रियो, ये तो सच्चाई है ना। उसके अलावा कोई सच्चाई है क्या? उसके अलावा कोई सच्चाई नहीं। प्रभु इसलिए होगा मंडली को, सर्दी से मंडली को बोलने के टेबल क्या बोला महाराज प्रकाश हुआ कि 3 का 3 स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागरूक न रहेगा, यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। देखा कैसे आएगा चोर के समान? कोई चोर पहले बोल कर आता है क्या? मैं मानो फ्राइडे का दिन 12 बजे तेरा घर में चोरी करने के लिए आऊंगा, ऐसे तू लेटर देता है क्या? कोई नहीं देता। तो सबसे बड़ी बात है, प्रभु हमको लेने के लिए आने का समय हमें मालूम नहीं, इसलिए सावधान रहना। वो बात में 16 अध्याय में भी लिखा है, 16 अध्याय का 15 वचन पढ़ना। देख मैं चोर के समान आता हूँ। कैसा लगेगा? चोर के समान आता है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु के लिए दुनिया में रहने वाला पवित्र लोग सबसे बड़ा मूल्यवान लोग है। प्रभु हमें लेने के लिए जल्द आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको, क्योंकि इस विषय को पवित्र लोग थोड़ा जानना चाहिए, मंडली कभी भी महाक्लेश में नहीं जाएगा। वो बात आप लोगों को मालूम है, और जिसको मालूम नहीं है आगे आने वाले समय में मैं आपको वो बात भी क्यों नहीं जाएगा प्रकट करेगा वचन के द्वारा। यहाँ पर का विषय ये जो आगमन है, ये प्रकट आगमन है। 7 वचन का जो बात जो है वो क्या है? प्रकट आगमन है। इसको गुप्त आगमन भी है। तो इसको गुप्त आगमन और प्रकट आगमन का फर्क क्या? गुप्त आगमन में प्रकट आगमन में बहुत फर्क है। वो बात भी हम लोग जानने से एक खास में एक सीमा तक अच्छा रहेगा। पुराने लोगों को मालूम, नए नए लोगों को मालूम नहीं। मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा वो बात है। कम से कम मतलब बहुत बड़ा 8 फर्क है, 8 बात का फर्क है। पहली बात, ये जो गुप्त आगमन जो है, आपको मैंने इससे पहले भी बोला, यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के टाइम पर भी 2 प्रकार गया। एक गुप्त रीति में गया, गुप्त रीति में गया, और एक प्रकट रीति में गया। गुप्त रीति में मरियम को प्रकट होने के बाद में प्रभु जाकर के आया, प्रकट रीति में जैतून पहाड़ से चलों के आंखों के सामने चले गए। इसी प्रकार अभी दोबारा आगमन में भी गुप्त आगमन है और 7 साल के बाद में प्रकट आगमन है। इसकी महत्व या इसका मतलब बातें विषय, अरे ये हर एक बात मतलब गुप्त आगमन। पहली बात, गुप्त आगमन मंडली के लिए आ रहा है। गुप्त आगमन मंडली के लिए आ रहा है ना। आप लोगों एक पेज में ऐसा 2 भाग करके ऐसा लिख सकता है, इस साइड में गुप्त आगमन और उस साइड में प्रकट आगमन। नंबर 1 गुप्त आगमन ये मंडली के लिए, इसके लिए मंडली के लिए। परंतु प्रकट आगमन में अच्छा उसका वचन नहीं दिया। इब्रानियों 9:28 आप लोग लिख पा रहा है। मैं अनेक वचन पढ़ने की जरूरत है? पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मालूम है, इसलिए आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं। ओके, तो प्रकट आगमन मंडली के साथ आता है, गुप्त आगमन मंडली के लिए आता है,
और जो प्रगट आगमन मंडली के साथ आता है, तो मंडली के साथ आना है तो उसे पहले मंडली उड़ा ली जाना चाहिए। जब यूदा 15 बजे और पड़ोसियों 3 का 4 बजे। अच्छा लिख पाया ना, ओके। दूसरा पॉइंट है, मतलब गुप्त आगमन महाक्लेश से पहले है, गुप्त आगमन महाक्लेश शुरू होने से पहले है। पहला तस्सलोनिकियों 1:9-10 ये रेफरेंस वगैरह आप लोग ठीक से लिख करके होमवर्क रूम में घर में जाकर के जरूर पढ़ना, तभी उसको, क्योंकि ये पूरा वचन पढ़ने के लिए हमको बहुत टाइम लगेगा। और उसकी कोई पहला तस्सलोनिकियों 5:4 और उसका 9:10, वही 5:4 और 9:10 और प्रकाशित वाक्य 3:10 प्रगटीकरण 3:10 मतलब प्रभु यीशु मसीह मंडली को महाक्लेश में से जाने ना देते हुए उसे पहले आएगा और डाले जाएगा। ऐसे तो बहुत बातें हैं, मैं आपको और एक क्लास इसके पीछे आने वाला है, इसलिए इस समय में उसको नहीं बोलेंगे। मतलब और प्रगट आगमन में प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश के बाद में आता है, कब आता बाद में आता है, उस समय में हम प्रभु के साथ आएगा। प्रकाशित वाक्य 19:11 उसका 11-16 ये सब द्वारा वो पॉइंट लिख करके आप ध्यान करना, नहीं तो आपको समझेगा नहीं है। दूसरा पॉइंट समझ में आया ना, मतलब मतलब मंडली के लिए महाक्लेश से पहले आएगा और प्रगट आगमन मतलब महाक्लेश होने के बाद में मंडली के साथ आएगा। समझ में आया ना, बहुत बड़ी बात है। रेफरेंस भी लिखा ना, 19:11-16 प्रकाशित वाक्य, ओके। तीसरा बात, गुप्त आगमन मंडली का दुल्हा होकर के आता है, कौन होकर आता? हाँ, अभी अपने गीत गाए ना, दुल्हा स्वर्ग से आ रहा है, प्रभु का लोगों के लिए, मंडली के लिए आ रहा है ना। पॉइंट लिखा, दूसरा कोरिंथी 11:2 दूसरा कोरिंथी 11:2 Ephesians 5:26-27 और प्रकाशित वाक्य 19:7 वहां पर इस एड में लिखना, प्रकट आगमन मतलब दुनिया का राजा और न्याय होकर के आता है, है? गुप्त आगमन में मंडली का दुल्हा होकर के आता है, परंतु प्रकट आगमन में दुनिया का राजा और न्याय होकर के आता है, दुनिया का राजा और न्याय होकर के आता है। प्रकाशित वाक्य 19:11-16 और यूदा 15 और 4वां पॉइंट आप लोग लिख पा रहे हैं, ओके। 4वां पॉइंट ये जो है गुप्त आगमन है, गुप्त आगमन मतलब उसका नाम ही गुप्त आगमन है, लेकिन उसको ऐसा भी एक बात है गुप्त आगमन। मत्ती 24 का 44 और लूका 12:35-40 35-40 परंतु यहां पर दूसरा जो आगमन है वो प्रकट आगमन है, मतलब सब लोग देखेगा। अभी हमने वो ही तो वचन पढ़ा प्रकाशित वाक्य 1:7 प्रकाशित वाक्य 1:7 ये प्रकट रीति में आने वाला बात, सब लोग देखेगा। अच्छा 5वां पॉइंट गुप्त आगमन में वो मध्याकाश तक आएगा, बादलों में मध्याकाश तक आएगा, दुनिया में नहीं आएगा। पहला तस्सलोनिकियों 4:16 लिख पा रहा है ना, ओके। लेकिन प्रकट आगमन में वो ओलिव पहाड़ पर आकर उतरेगा, जैतून पहाड़ पर आकर के उतरेगा, जकरिया 14:4 ओके। मतलब 6वां पॉइंट मतलब
गुप्त आगमन सिर्फ उदार पाए हुआ या विश्वासी लोगों का संबंध में रहेगा। गुप्त आगमन सिर्फ विश्वासी, जो विश्वासी बोलकर चलने वाला नहीं जाएगा, जिसका उदार नहीं हुआ वो नहीं जाएगा, है ना। सिर्फ डुबकी लिया परंतु नया जन्म नहीं पाया वो नहीं जाएगा, इसमें मसीह की आत्मा नहीं हुआ नहीं जाएगा, है सिर्फ विश्वासी मतलब उदार पाया हुआ नया जन्म पाया हुआ लोग जाएगा। अरे तस्सलुनीकियों 4:16-17 और यूहन्ना 14:3 और रोमियो 8:11 प्रकट आगमन में ये सारा संसार पर इफेक्ट होगा, सारा संसार पर इसका इफेक्ट होगा प्रकट आगमन में। रोमियो 11:26-27 मत्ती 25:31-32 प्रकाशवाणी 19:20 और 20:1-3 इतना बड़ा संभव उस समय में होगा। ये वजन पूरा आप पढ़ना है ना, मतलब यहाँ पर झूठा भविष्यता और मसीह विरोधी को आग में डालेगा, शैतान को पढ़ करके 1000 साल बंद करेगा, ये सारे बात उस समय में होने वाला बात है। ओके अभी भी अपन उन विषय में जाएगा आगे। अच्छा सातवीं बात, गुप्त आगमन कभी भी संभव है, गुप्त आगमन कभी भी संभव है। इसका मतलब क्या है कि आज हम ये सुनते सुनते या घर जाते जाते भी आ सकता है, कभी भी संभव है। मत्ती 24:44 परंतु प्रकट आगमन पूर्ण रूप में जो बताया हुआ चिन्ह होने के बाद ही आएगा, बहुत से चिन्ह बताया है वो चिन्ह होने के बाद ही आएगा प्रकट आगमन। प्रकट आगमन के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। ओके मत्ती 24:15-31 तक हो और 8वीं बात गुप्त आगमन के बारे में पुराना नियम में कुछ भी बात नहीं बताया, गुप्त आगमन के बारे में पुराना नियम में कुछ भी नहीं बताया। पहला कुरिन्थी 15:51-52 परंतु प्रकट आगमन के बारे में पुराना नियम में भी लिखा है, प्रकट आगमन के बारे में अभी देखा ये कितना वास्तव में कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, मतलब आदम से लेकर के सातवां पीढ़ी का हानों को प्रभु ने प्रकट आगमन का तक बात प्रकाशित किया, कितना बड़ा बात है ये। एक्चुअली हानों कैसे समझ पाया होगा ना, आप बताओ। अच्छा एक बात मुझे बताओ, हानों के प्रभु के साथ चला ना, कैसे चला? नहीं देखो मैं दानी के साथ चला, ऐसे चला क्या? ऐसे नहीं चला, मतलब ऐसे नहीं चला। फिर क्या है, अनेक बातों में वजन मानकर चला। आज वजन मानने वाला क्या करता, प्रभु के साथ चलता। हाँ समझ में आया, बहुत लोग सोचता है प्रभु कोई मनुष्य बनकर आकर के आनों के साथ नहीं चला, और उस समय में ऐसे लिखा हुआ वचन भी नहीं, बाइबल भी है ना। देखा ये प्रभु का वाणी आत्मा में सुनकर के प्रभु के साथ चला। देखा हम लोग प्रभु के साथ चला, अनुग्रह मिला हुआ ये दो जन, एक नौगा भी प्रभु के साथ चला, आपको मालूम है ना, प्रभु के साथ चला उत्पत्ति चयनों में हम पढ़ता है ना, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलता हूँ आज अनुग्रह पाया हो, हम लोग रोज प्रभु के साथ चलना, चलता हो करके हमारा अनुभव में होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज जो भी व्यक्ति है वचनों को सुन करके मानता है ना, वो प्रभु के साथ चलता है, प्रभु के साथ चलता है। अगर आप मैं इसलिए बोलता ना, देखो प्रभु का वचन कहता ना, यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश देने के बाद में आखिरी में क्या बोला,
मेरा ये वजन सुनकर ऐसा करने वाला कुछ बुद्धिमान मनुष्य के समान है। आज भी बहुत लोग मतलब ये वजनों को सुनता है लेकिन ये वजन को अमल नहीं करता। मेरा ये वजन सुन करके ऐसा करता है, ऐसा करता है, मानना है भी। वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है। उसके जीवन में कितना भी प्रतिकूल कैसे भी आने दो, चारों तरफ की बात है वहां रहे। ओके, क्या क्या आया? तीन बात आया। क्या क्या आया? बारिश आया, बाढ़ आया, तूफान आया। बहुत बड़ी बात है, बारिश आया, बाढ़, मेघ बरसा, वही तो बारिश को बोला, मेघ बरसा, बाढ़ आया, आंधिया चली। देखा, आंधिया चला। इस समय में वो बुद्धिमान उसको थोड़ा भी असर मिले। देखा, वजन मानने वालों को इतना बड़ा मानव प्रभु के उपस्थिति में या प्रभु के दृष्टि में कितना मूल्य है, वो बात को ये बताता है ना, उसको कुछ असर नहीं होगा, कुछ असर नहीं होगा। वो इन बातों से कभी भी डगमगाएगी नहीं। उसको मालूम है प्रभु मेरा सहारा है, इन बातों को भी प्रभु मुझे पार कराएगा, पार कराएगा। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि मतलब ये जो जी उड़ा हुआ शरीर, जी उड़ा हुआ शरीर को हम छू सकता है, छू सकता है। जी उड़ा हुआ शरीर में मतलब हड्डी और मांस है? नहीं, 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 कभी कभी पूछना अच्छा रहता है। वेरी गुड, लहू नहीं है तो हड्डी और मांस है। हाँ करेक्ट, ये मतलब कई लोगों को ऐसा डाउट रहता है, इसलिए मतलब ये सब प्रभु हमको बताया तभी तो हम समझा है ना। मतलब प्रभु ने क्या बोला था है? जब लूका उसका 24 अध्याय का 39, लूक 24:39 हमारे साथ रहो क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत गर्म गया है, तब वह उनके साथ रहने के लिए मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छूकर देखो, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता, आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हैं, आत्मा का हड्डी मांस नहीं होता। देखो बहुत बड़ी बात है प्रियो है ना, मतलब ये एक बड़ा बात है। मैं थोड़ा सा दो तीन वजन में आपको और समझने के लिए योगना 20 अध्याय का 17 वजन, क्योंकि ऐसे ऐसे बातों में कई बार लोगों को संदेह रहता है, ऐसा आपको संदेह भी ना हो। यीशु ने उसे कहा, मुझे मत छू क्योंकि मैं अब तक पिता के पास। देखा, मुझे मत छू, मैंने छू सकता है ना, छू सकता है, इसलिए मुझे मत छू। बहुत बड़ी बात है, मरियम को बोलता है तो मुझे मत छू। अभी आपको मालूम है ये तो मतलब प्रभु यीशु मसीह पाया हुआ लहू लेकर के मतलब ओरिजिनल कृपा स्वर्ग में पिता के उस पास जाने का समय था, और महायाजक जब भी खून लेकर के जब अति पवित्र स्थान में जाता है तो वहां पर कोई उसको छू नहीं सकता, वो अशुद्ध हो जाएगा। ओ क्या बात है ना, और यीशु मसीह स्वर्ग जाकर आया। स्वर्ग जाकर आने के बाद में वही योहन्ना उसका 20 अध्याय का 25 और 27 वचन पढ़ो। जब अन्य चेले उसके रहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उसे कहा, जब तक मैं उसके हाथ में हाथ के कीलों में के छेद न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। अभी 27 बजे जल्दी से। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? है प्रभु को मांस और हड्डी है ना। और एक वचन मत्ती 28 अध्याय का 9 वचन। ओके, तब यीशु ने मिला और कहा सलाम, उन्होंने पास आकर उसके पाँव पकड़कर उसको दंडवत किया। कैसा? पाँव पकड़कर, पाँव पकड़कर के, पाँव पकड़कर के। देखा, पाँव पकड़कर। आपको मालूम है कि ये
मतलब दुष्टात्मा वायरा जो स्त्री वेशों में जब प्रकट होकर के चलता है, चलने के समय में आप उस पर ध्यान करेगा। मैंने तो देखा नहीं, देखा वो लोगों ने कहा वो बात में आपको आप अगर देखेगा तो वो एकदम हवा में चलता है, उसको भाव नहीं, उसको भाव नहीं देता। आप लोगों सुना ऐसे मेरे साथ, मतलब सर्विस में था कई बिहारी लोग था, वो लोगों ने मतलब ये वो लोग कभी छुट्टी वगैरह जाने के टाइम पर देरी से गांव पहुंचता है तो वहां पर अकेले में जब जाता है ये आगे आगे मतलब एकदम सफेद वस्त्र में बाल ऐसा ये करते हुए ऐसे जाते हैं जाता है, तो कई लोग उसके पीछे जाता है और गैर। और कभी कभी ये स्त्री मतलब ऐसे आकर के उनको, ये लोग क्या करता है ऐसे अकेले जाने के टाइम पर मतलब सिगरेट वगैरह पी कर जाता है, उन्होंने बोलेगा मुझे पीछे से बोलेगा मुझे एक सिगरेट दो, तो अगर वो सिगरेट देने के लिए पीछे मुड़ कर देखा तो मुझे एक कदम मतलब उसको आठ दे करेगा, क्योंकि तो उसका भीबल स्वरूप दे देगा। लोग जानकार लोग इसलिए क्या करेगा, निकाल कर ऐसे देगा, ऐसे देगा वो आगे जाएगा बिछ जाएगा नहीं तो मर जाएगा। तो दुष्टात्मा है इसमें कोई संदेह ही नहीं, लेकिन अभी मतलब इधर चारों तरफ कौन है, पूरा क्षेत्र का कंट्रोल नहीं पूरा, जितना भी मूर्ति पूजा होता है उसके पीछे क्या होता है, क्षेत्र की आराधना होता है। तो प्रभु प्रभु हमें ये बात को जानना है कि प्रभु ने हमें इतना अच्छा रीति में बचा लिया, हम लोग एक महिमा का शरीर पहन करके प्रभु के साथ रहने के टाइम पर आपको मालूम है हमको भूख लगेगा क्या है, देखा अब ये भी एक डाउट है, लगेगा लेकिन खाना नहीं खाएगा, चाहे तो खा सकता है पर हमें भूख नहीं, लेकिन हम ऐसा लोगों के साथ संपर्क में खा सकते हैं, वहां पर हमें जीवन का वृक्ष से खाने के लिए मिलेगा, भूख मिटाने के लिए नहीं, जीवन का संबंध। अभी वो क्लास में जब आएगा आपको एकदम उसमें नया प्रकाश मिलेगा। हाँ, तो ये जो भी है ये सब बात हो गई। अभी मुर्दा जी उड़ने के समय के बाद में कोई शक नहीं है ना है, जीवड़ा लोगों में क्या रहेगा, लहू नहीं होगा है, हाँ वो बात ध्यान दे, हड्डी और मांस रहेगा लेकिन लहू नहीं रहेगा, लहू नहीं रहेगा ये बात। मतलब एक शब्द है मतलब परक और नहीं 15:50 वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो हे भाइयों मैं कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। देखा मतलब लहू के साथ मांस है तो प्रभु के राज्य का वारिस या मतलब स्वर्ग में नहीं जा सकता, बहुत बड़ी बात है, जीव डाल शरीर में लहू नहीं रहेगा। बहुत मैं आपको बताया था मतलब अपना मृत्यु से नस्तिक रहने वाला उस धारा के उसमें जाने के लिए कितना साल चाहिए, धारा कितना दूर है 26 लाख करोड़, कितना 26 लाख करोड़, उसमें मतलब 24,000 माइल स्पीड में जाने वाला रॉकेट कितने साल में पहुंचेगा, 7,20,000 साल में, तो उसको मतलब मनुष्य को बनाया 6,000 साल हुआ अभी आप देखो 7,20,000 कौन सा कितना कितना पीढ़ी के पास रॉकेट में इतना पीढ़ी क्या बताऊं है ना, परंतु ये तारा गणों को भी पार कर अभी मतलब अभी आप देखो इन तारा गणों को भी पार करके हमें उस स्वर्ग में स्वर्गीय परदिशा में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता, मतलब हाँ ये सेकंड सेकंड का भी इतना स्पीड में है, बाप रे क्या है प्रियो, जैसे अभी हम लोग मतलब फरक होने 15 अध्याय का 51-52 में पढ़ता ना, एक बार मित्र की बात करता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही बोलने का मतलब क्या है ना, मतलब आंग बंद होने के बाद खोलने का वो समय का भी मतलब
में से एक बात। कैसे समझेगा ये बात ना, हमारा ये जो बुद्धि में आने वाला बात है क्या? नहीं, कभी नहीं पी। तो भजन में जो लिखा है सत्य लिखा है, भजन में लिखा वो बात सत्य बात है, इसमें संदेह करने का नहीं है ना। एक बार एक व्यक्ति ने बोला, मानव मगरमच्छ के अंदर यौवना 3 दिन और 3 रात रहा, ये विश्वास करने के लिए बहुत मुश्किल है करके एक व्यक्ति ने बोला है ना। तब मानव सुनने वालों ने क्या बोला मालूम है? अगर भजन में लिखा है पूरा अरेबियन सागर को एक आदमी ने पिया बोलेगा तो भी मैं विश्वास करेगा, क्योंकि भजन में लिखा होना चाहिए। भजन में लिखा होना चाहिए, भजन में अगर लिखा है तो भी संदेह करने का सवाल ही नहीं। भजन में जो लिखा सत्य लिखा। आज हम जो ध्यान कर रहे हैं ना, ये सब भविष्य में होने वाली बात है, ये सब हम प्रभु के साथ मतलब आने वाला समय का बीच में इस रीति में आ गया तो आ गया, इसलिए बोला। लेकिन आगे इसका विस्तार आएगा, तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस वचन पर विश्वास करने वाले लोग कितना धनी है, प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ऐसा लोगों को बहुत सम्मान करेगा। परंतु एक बात है, जब प्रभु का वचन के अनुसार एलिशा ने बोला था कि समरिया में मतलब 1 रुपया को 10 किलो गेहूं बांटेगा, आकाश पड़ा है, बोला परमेश्वर आकाश का द्वार खोलेगा तो भी असंभव है, बोलेगा तू देखेगा लेकिन खाएगा नहीं, देखेगा तो खाएगा नहीं। कौन बोला? प्रभु का दास ने। कहां से बोला? प्रभु के ओर से बोला। खाया क्या? नहीं खाया, वचन में लिखा है, प्रभु की वचन आ गया है तो वैसा ही होगा। वो कुछ भी बोलने दो, मैं आपको बोलता हूँ वचन में लिखा है ना, हमको समझ में नहीं आ रहा है तो भी वो सच है, इस पर कभी संदेह नहीं कर। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग क्या बोलता, वो मतलब लाल सागर को पार किया, और नासिक लोग बोलते हैं उस समय में घुटने तक पानी था। क्या बोलते घुटने तक पानी था, क्योंकि उस समय में वो पानी जाने वाला टाइम था, इसलिए पार हो गया। तब एक प्रभु विश्वासी माने बहुत जोर से चिल्लाया, हालेलुया, बोले क्यों इतना घुटने तक पानी इतना बाहर हो गया, बोलेगा तो क्यों अरे इतना पानी के अंदर मतलब भागवा और उनका रेदों को सबको डुबा करके बाहर आ रहा। कैसा भी देखो प्रियो, वचन में लिखा है तो उसको कैसा भी टेढ़ा मुड़ा करके उसको झूठ बनाने के लिए कोशिश करेगा तो झूठा बनेगा, है ना। प्रभु का वचन सत्य है, इसलिए ये वचन को थामा लेना, वचन में लिखा वो बातों में बहरा रहे। मैं सबको आशीष दे, मैं आज और आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा, कल आपको जरूर कृपा से 8 वचन 9 वचन 2 वचन शायद पढ़ने के लिए शायद मौका मिलेगा, ऐसा आशा करता है। तो आपको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।